प्रसिद्ध अभिनेता इरफान खान के निधन की खबर आते ही फिल्म जगत में यहां पर शोक की लहर दौड़ पड़ी। राजधानी जयपुर में अभिनेता और आर्टिस्ट ने भी उनके निधन पर अपना शोक व्यक्त किया है। जयपुर के प्रसिद्ध तमाशा साधक दिलीप भट्ट ने इस पर कहा कि फिल्म जगत और थिएटर में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इन्ना लिल्लाही वा इन्ना इल्याही राजीऊन। मैं इरफान खान के इंतकाल पे, उनकी दुखद मृत्यु पे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ और खिराज अकीदत देना चाहती हूँ। जयपुर में पैदा हुए, पले बड़े, पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने अपनी एक्टिंग का परचम फहराया, एक बहुत ही महान एक्टर इरफान खान थे, जिनकी कमी आज पूरे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को होगी, क्योंकि उन्होंने जयपुर से अपनी टैलेंट, अपना पैशन फॉलो किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक पहुँचे, वहाँ से मुंबई पहुँचे और बम्बई से हॉलीवुड तक का सफ़र उन्होंने पार किया। मुश्किलात बहुत आई, इस फील्ड में कंपटीशन बहुत होता है, ऐसा फील्ड, ऐसा बम्बई जहाँ खान, पठान, जौहर्स, चोपड़ाज, अलग अलग तरह के ख़ानदानी टैलेंट के का हुजूम जहाँ पे था, वहाँ पे जयपुर जैसी जगह से किसी इंसान का जाना और अपनी जगह बनाना बहुत ही काबिले तारीफ बात थी। हमारे जयपुर रंगमंच की, राजस्थान रंगमंच की, एक भारतीय रंगमंच के इतिहास में कैसा नाम इरफान खान ने ही रहे। उन्होंने अभी एक फिल्म की थी प्रीमियम, और उसमें रोल किया था उन्होंने बच्चे का, बच्ची का भी रोल किया था उन्होंने, और वो उनके लिए जीवन की एक अभिन्न फिल्म थी। और ऐसे कलाकार जिसने राष्ट्र नाट्य विद्यालय में नाम कमाया, जयपुर रंगमंच से उठ करके नेशनल स्कूल ड्रामा में गए और वहाँ से फिर बॉम्बे में गए, और बॉम्बे जाकर भी उन्होंने संघर्ष किया और कई सालों से अभी पीड़ित थे, कैंसर से इलाज भी चल रहा था, लेकिन हिम्मत बंदे नहीं हारी। ऐसा समाचार सुनते ही एक रंगमंच को आघात पहुँचा है, फिल्म जगत को आघात पहुँचा है, जिसने अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार के साथ फिल्म की हो। बड़े दुखद का विषय है कि हमारी एक ऐसी हस्ती जिसने सच्चा एक अभिनेता खोया है हमारे राजस्थान रंगमंच में, भारतीय रंगमंच में, क्योंकि रंगमंच को आत्मसार करते थे इरफान खान, क्योंकि उन्होंने कई नाटक नेशनल स्कूल ड्रामा किए और उसी ड्रामा के अनुसार को 2011 में और पद्मश्री से नवाजा गया था। आज का दिन बॉलीवुड के लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत दुखद दिन है। इरफान खान सर का देहांत मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। साल 2009 में जब मैं मेरे अभिनय करियर की शुरुआत करने की सोच रहा था, तो जवाहर कला केंद्र में थिएटर के दौरान उनसे मुलाकात हुई थी और अभिनय क्षेत्र में उनसे मार्गदर्शन मिला था। विश्वास नहीं हो रहा है कि इरफान खान सर इतना जल्दी इस दुनिया से चले जाएं।